गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर स्टेइंग हैप्पी एंड हेल्दी। तो बच्चों, आप सभी को पता है एक नेशनल फेस्टिवल बहुत जल्दी आने वाला है ना? कौन सा? यस, इट्स इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे में क्या होता है ये सब तो आपको पता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है ना। तो आज हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं पता है? हम आपको पता है ना, हमारा फ्लैग जो है, नेशनल फ्लैग, देखो ये है हमारा नेशनल फ्लैग। इसमें कितने कलर्स हैं? 3 कलर्स हैं ना। इसे ट्राई कलर्ड फ्लैग भी बोलते हैं या तिरंगा भी बोलते हैं ना बच्चों। तो आज हम क्या करने वाले हैं, एक फूड एक्टिविटी करने वाले हैं जिसमें हम ट्राई कलर का फूड बनाएंगे। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये मेरे पास क्या है, 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड है और इसको मैंने क्या कर लिया है, इसके कॉर्नर्स कट कर लिए, ब्राउन कलर के होते हैं ना, उनको मैंने कट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ट्राई कलर का, ये देखो ये फ्लैग है हमारा, इस कलर का हमें इस ब्रेड को बनाना है। कैसे बनाएंगे बताओ? अब आपको पता है हमारे फ्लैग में सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, कौन सा कलर होता है बच्चों? सैफ्रन। कौन सा होता है? सैफ्रन। सैफ्रन कलर का आपने कोई फ्रूट, कोई वेजिटेबल देखी है? क्या होती है बताओ? यस, कैरेट्स है ना। देखो ये यस ऑरेंज कलर होता है, बट हमारे फ्लैग में जो कलर होता है उसको सैफ्रन बोलते हैं। ओके, केसरिया। तो अब देखो इसको मैंने क्या कर लिया है, ग्रेट कर लिया है, यानी कद्दूकस कर लिया है। ओके, और अब हम इसमें सबसे ऊपर कौन सी लेयर रखेंगे, सैफ्रन कलर की। ठीक है, तो सैफ्रन अब हम क्या करते हैं, देखो मैंने जो इसके कॉर्नर्स निकाले थे ना बच्चों, उसी से हम इसको डिवाइड कर देते हैं इक्वली, तो इट विल बी ईजी फॉर अस। देखो ऊपर हम सैफ्रन रखेंगे और नीचे हम क्या रख देंगे, ग्रीन, और बीच में वाइट। तो जो ये पोर्शन है ऊपर वाला, इसको हम सैफ्रन कलर से फिल कर देते हैं। ओके, जो बीच में आपने हमने ये लेयर बनाई, इससे ये इजी होगा और इट विल नॉट कम आउट। ठीक है बच्चों, टाइटली प्रेस कर दीजिए। ओके, अब देखिए बीच में तो वाइट होती है ना, वाइट तो इट इज ऑलरेडी वाइट। अब नीचे वाली लेयर कौन सी होती है, सबसे वाला नीचे कौन सा कलर होता है हमारे फ्लैग में, ग्रीन। कौन सा कलर होता है, ग्रीन, यानी हरा। और ये कौन सी वेजिटेबल होगी या कौन सा फ्रूट होगा बताओ? क्यूकम्बर। इट्स अ खीरा। नीचे हमने क्यूकम्बर, ग्रेटेड क्यूकम्बर की लेयर बना देनी है। ओके, और इसको ऐसे प्रेस कर देंगे। ठीक है, देखो ये ग्रीन, ये सैफ्रन। अब बीच में कौन सी लेयर बच गई, वाइट। इनको हम हटा देंगे। ओके, बीच में वाइट की स्पेस ज्यादा बच गया है। ओके, अब हम थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देते हैं। ओके, सो इट कैन बिकम इवन। अब देखो बीच वाली लेयर वैसे तो वाइट है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट हम इसमें वाइट फिल करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, है ना। तो देखो मेरे पास ये क्या है, चीज़ है ना, से चीज़। तो हम इसको इसी के साइज का कट कर देते हैं। देखो हमने एक स्लाइस कट कर दी और यहाँ पे रख दी। ठीक है बच्चों, और इसको हम किसी की भी हेल्प से प्रेस कर देंगे। ठीक है, नाइफ स्पून की हेल्प से आप क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे। जो जो वाइट होता है हमारे फ्लैग में, उसके ऊपर भी कुछ होता है ना, ये ऐसा एम्प्टी तो नहीं होता है, अशोक चक्र। क्या होता है, अशोक चक्र है ना, और वो कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब तो डार्क ब्लू कैसे कर सकते हैं आप, या तो आप ब्लूबेरीज रख सकते हैं उसके ऊपर, या आप एक पेपर में ड्रॉ करके भी रख सकते हैं, बट डार्क ब्लू तो नहीं है हमारे पास। देखो क्या है, जेम्स हैं। इसमें क्या है, लाइट ब्लू कलर का एक जेम आया है। देखो इसको हम सेंटर में रख देंगे। ठीक है, और बच्चों पता है एक मजे की बात, ये जो जेम हमने रखा है ना, ये थोड़ी देर में अपना कलर छोड़ देता है। ये देखो अभी तो इसने कम छोड़ा है, थोड़ी देर आप रखेंगे तो एक सर्कल ब्लू बन जाएगा, और उसके बाद आप इस जेम को
खा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी ट्राइकलर फूड एक्टिविटी। आप चाहे तो इन स्लाइसेस को सैंडविच के शेप में भी कर सकते हैं, है ना। और आप चाहें तो कुछ और, जैसे मैंने ग्रेट किया है ना इनको, आप ऐसे पीसेस में कट करके भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। आप चाहे तो फूड में कलर मिक्स करके भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप कि एंजॉयड दिस एक्टिविटी एंड अपने इंडिपेंडेंस डे में ये एक्टिविटी ज़रूर करना। ओके, थैंक यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।